हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक सॉफ्टवेयर एकेडमी। आज हम आपको टिक सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डेमो दिखाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टिक सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। फिर हम टिक मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। यहां से हम टिक मास्टर को ओपन करेंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कंपनी अपने सभी वेंडर्स और कस्टमर्स की डिटेल्स को ऐड करती है। कंपनी का नाम, कंपनी का प्रिंट नेम, कंपनी डेप्टर है या क्रेडिटर है। अगर हम कंपनी को कोई पर्टिकुलर कोड देना चाहते हैं तो वो मैनुअली एंटर करेंगे। कंपनी की इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी का एड्रेस, ये सब हम कंपनी इंफॉर्मेशन टैब में फिल करेंगे। उसके बाद स्टैच्यूरी डिटेल्स के टैब पर क्लिक करेंगे और कंपनी का पैन नंबर, टिन नंबर, सीएसटी नंबर, टैन नंबर, ये सब फिल करेंगे। उसके बाद हम लोकेशन एड्रेस पर क्लिक करेंगे। लोकेशन एड्रेस बेसिकली कंपनी के अलग अलग लोकेशंस का एड्रेस स्टोर करने के लिए होता यह है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी या कोई कस्टमर बिलिंग किसी और एड्रेस पे कराता है और डिलीवरी किसी और एड्रेस पे, तो उस केस में हम उसके सारे एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं। फिर हम अप्रूव्ड आइटम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में सभी जितने भी मटेरियल हैं उनकी लिस्ट है। उसमें से हम पर्टिकुलर कुछ आइटम सेलेक्ट करके जो उस पार्टी से रिलेटेड हैं अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव्ड आइटम जो भी आप आइटम अप्रूव करेंगे वो आपके राइट हैंड साइड लिस्ट में अपीयर होंगे। उसको हम सेव कर लेंगे और जब भी हम इस पार्टी का नाम, पार्टी के लिए कोई रिपोर्ट ओपन करेंगे तो हमको वही आइटम दिखेंगे जो इसके लिए अप्रूव किए गए हैं। ये था चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसी भी मटेरियल को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। वो यूनिट्स हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नाम डालेंगे, और सेव कर देंगे। इस तरह हम जितने भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं सब ऐड करेंगे जो हमारी कंपनी में यूज होते हैं। इस फॉर्म को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं मटेरियल ग्रुप की। मटेरियल ग्रुप बेसिकली हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी हायरार्की बनाने के लिए यूज किया जाता है कि कौन सा मटेरियल किस ग्रुप में आता है, वो ग्रुप किस ग्रुप के अंडर आता है, इस तरह से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक फिक ग्रुप टाइप, ये बाय डिफॉल्ट है। इनमें से आपको कोई ना कोई ग्रुप टाइप सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि जो भी आइटम आपकी कंपनी में यूज होता है, बनता है, उस वो एक फिनिश गुड होता है। उसमें कंज्यूमेबल आइटम्स भी होते हैं, रॉ मटेरियल भी होता है, सेमी फिनिश्ड भी होता है, ये सब स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड ग्रुप टाइप्स हैं। उसके अलावा अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं वो इनके अंडर ही बनेगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर रखा है और रॉ मटेरियल में मेरे पास एलुमिनियम आता है। एलुमिनियम बेसिकली रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल के अंदर आ जाएगा। अब रॉ मटेरियल हमारा मेन ग्रुप हो गया, उसका सब ग्रुप हो गया एलुमिनियम। मैंने इसकी एक आइटम सीरीज डिफाइन की है AL, मींस जब भी मैं एलुमिनियम के लिए कोई मटेरियल क्रिएट करूंगा, कोई भी मटेरियल या कोई भी आइटम क्रिएट करूंगा, तो उसका जो कोड स्टार्ट होगा वो AL से स्टार्ट होगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये एल्यूमिनियम का है अगर मैं
सिर्फ कोड से चेक करना चाहूंगा तो मुझे उसके डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसको हम सेव कर लेंगे। इस तरह से आप कितने भी ग्रुप बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिएट मेटेरियल सेटअप की तरफ। क्रिएट मेटेरियल सेटअप में हम जो भी हमारे मटेरियल है, जो भी हमारा आइटम जो कंपनी में यूज हो रहा है, उसको क्रिएट करते हैं सिस्टम के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने फिनिश गुड मेटल को क्रिएट किया है, फिश ग्रुप टाइप फिनिश गुड, अंडर ग्रुप मैंने उसका नाम लिया था फिनिश गुड। आइटम कोड आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने फिनिश गुड के लिए FG सीरीज दी थी तो वो FG से ही स्टार्ट हुआ है। आइटम नेम मैंने डाला है, आइटम की डिस्क्रिप्शन, उसकी क्लास, क्लास ABC, ये बेसिकली कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने मटेरियल को क्लासिफाई करती है, क्वालिटी बेस पे करेगी, क्वांटिटी बेस पे करेगी, या सेल बेस पे करेगी, प्राइस बेस पे करेगी, जैसे भी वो करना चाहे। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम उसकी डिफाइन करेंगे। फिर आप देख रहे होंगे कन्वर्जन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली ये कन्वर्जन फैक्टर है। कभी कभी कोई मटेरियल किलोग्राम में आता है, मीटर में आता है, लीटर में आता है, लेकिन वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है पीसीस में, ग्राम्स में, या किसी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में। तो वो कन्वर्जन फैक्टर को कवर करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अगर यहाँ पर कन्वर्जन यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप कोई और दूसरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भरते हैं तो आपको कन्वर्जन फैक्टर में डिसाइड करना होगा कि कितने में वो कन्वर्ट होगा। जैसा कि एक एग्जांपल की बात करता हूँ, मान लीजिए हमारे पास 1 किलो स्टील है, उससे हमारे 50 आइटम बन के आते हैं नंबर्स में, तो हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी करेंगे और कन्वर्जन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर में 50 एंटर कर देंगे। तो जब भी आप केजी में वैल्यू भरेंगे तो वो आपको नंबर्स में ऑटोमेटिक वैल्यू दिखा देगा कि इतने नंबर होना चाहिए। जब आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिल करेंगे तो उसको बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, ना कि पॉइंट्स में 1। स्टैंडर्ड यूनिट को 1 लेगा वो, 1 kg, 1 liter, 1 meter, 1 piece, 1 number, etc. कन्वर्जन यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप कन्वर्जन फैक्टर में भरेंगे कि वो कितने में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद हम इसकी बैच टाइप सेलेक्ट करते हैं, यस है या नो है। स्टोर लोकेशन डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि एक आइटम इमेज है, यहां पर आप अपने आइटम्स की इमेज लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होते हैं वो आपसे कोटेशन लेते हैं, कहते हैं कि आप अपने आइटम की इमेज भी दिखाइए, तो वो चीज आप यहां से दिखा सकते हैं। आइटम की प्राइस इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं, परचेज रेट क्या है, MRP रेट क्या है, सेल्स रेट क्या है। परचेज रेट बेसिकली रॉ मटेरियल के लिए या उस मटेरियल के लिए जो आप खरीद रहे हैं, MRP रेट और सेल्स रेट उसके लिए जो आप बेच रहे हैं। आप अपने आइटम्स का क्रिटिकल लेवल सेलेक्ट सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल कितना होगा, मिनिमम कितना होगा और रीऑर्डर कितना होगा। बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रीऑर्डर लेवल को रखा जाता है, ताकि आपको पता रहे कि कब आपको मटेरियल मंगाना है। रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो आपको बेनिफिट देगा। अगर आइटम के लिए कोई ड्राइंग या कोई पर्टिकुलर फाइल है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं अटैच फाइल में जाके। आइटम के लिए अगर कोई क्वालिटी पैरामीटर्स हैं तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं क्वालिटी पैरामीटर्स में जाके। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि स्टोर या IQC वाले एम्प्लॉय को पता होगा कि उसे कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर चेक करने। यूजर डिफाइंड फील्ड में आप कंपनी का ब्रांड नेम, साइज, ग्रेड, कलर,
ड्रॉइंग नंबर, वारंटी पीरियड, या जो भी यूजर डिफाइंड, आप खुद जो डिफाइन करना चाहते हैं. यूजर डिफाइंड फील्ड का बेसिकली मतलब यही है कि वो फील्ड्स जो यूजर खुद डिफाइन करना चाहता है कि उसे किस ब्रांड का लेना है, किस साइज का लेना है, कलर क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग नंबर क्या होगा उसका, जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको हम डन करेंगे और सेव कर देंगे. इस तरह से हम अपने सभी मटेरियल्स क्रिएट करेंगे क्रिएट मेटेरियल सेटअप में. आगे बढ़ते हैं आइटम मास्टर ओपनिंग पर. आइटम मास्टर ओपनिंग एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम अपने किसी भी मटेरियल, किसी भी आइटम की स्टार्टिंग क्वांटिटी फिल करते हैं. स्टार्टिंग क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जब आप कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कंपनी में, उस टाइम पर आपके पास जो मटेरियल है उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, वो आप आइटम मास्टर ओपनिंग में फिल करेंगे. रिमार्क में आप डाल सकते हैं कौन से आइटम है. डॉक्यूमेंट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, डॉक्यूमेंट डेट भी वही वाली डेट ली जाएगी जिस दिन आप एंटर कर रहे हैं. जो भी हाईलाइटेड एरिया होगा वहां पर आप F1 दबाएंगे तो आइटम्स की लिस्ट अकर हो जाएगी. उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका भी आपको आइटम ओपनिंग डालनी है. जैसा कि आपने देखा कि आप सेम आइटम को ही अलाउ कर सकते हैं. सेम आइटम से मेरा मतलब है सेम ग्रुप का आइटम. आप उसकी ओपनिंग क्वांटिटी, पहले आप उसका स्टोर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आप उसकी क्वांटिटी डाल पाएंगे. ये जो आप देख रहे थे कि सेम आइटम ओनली, ये इस वजह से ले रहा था, इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैंने उसको बैच नंबर यस कर रखा था, उसकी बैच डिटेल डाल रखी थी. तो मुझे उसकी ओपनिंग डालने के लिए बैच नंबर एंटर करना पड़ेगा, क्वांटिटी फिल करनी पड़ेगी, रेट अगर डालना चाहें वो, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और उस आइटम की एक्सपायरी डेट. और उसको मैं ऐड कर दूंगा, ऐड करके डन, तभी आपका मटेरियल की ओपनिंग सेव होगी अगर आपने उसकी बैच टाइप यस कर रखी है. इस तरह से हम अपने आइटम्स की ओपनिंग या स्टार्टिंग वैल्यू फिल करेंगे. आइटम मास्टर ओपनिंग में आप जितने चाहें उतने आइटम्स की ओपनिंग डाल सकते हैं. आइए अब आगे बढ़ते हैं. उसके बाद मैं बात करूंगा स्टोर लोकेशन की.
स्टोर लोकेशन बेसिकली वो फॉर्म है या वो फंक्शन है जिसमें आप अपने सारे स्टोरेज एरियाज को डिफाइन करते हैं। आपको न्यू पे क्लिक करना है, आइटम का नाम, स्टोरेज लोकेशन का नाम फिल करना है, और सेव करना है। ये आपकी सारी स्टोरेज लोकेशन सेव होंगी। इस तरह से आप अपनी सारी स्टोर लोकेशन सेव करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बात करता हूँ प्राइस मैट्रिक्स की। प्राइस मैट्रिक्स बेसिकली अपने कस्टमर्स के लिए डिजाइन की है। इसमें आप अपनी पार्टी कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपने सारे फिनिश गुड आइटम दिखेंगे। फिनिश गुड आइटम में आप उनका रेट डालेंगे, कितना डिस्काउंट आप उस पार्टी को देना चाहते हैं वो आप डिफाइन करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ही बेसिकली होता ये है कि हमारे आइटम का रेट कुछ होता है लेकिन हम अलग अलग पार्टीज को अलग अलग रेट पर वो आइटम प्रोवाइड कराते हैं। अलग अलग रेट पर प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग टर्म्स होती हैं। किसी की पेमेंट टर्म जल्दी होती है, किसी को क्वालिटी बेस पे प्राइस सेट किया जाता है, किसी की डिलीवरी बेस पे प्राइस सेट किया जाता है। इस तरह से हम अलग अलग पार्टी के लिए रेट डिसाइड करते हैं या उनको कितना डिस्काउंट देना है वो डिसाइड करते हैं। तो हम अपनी सभी पार्टीज के लिए इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आइटम का पर्टिकुलर रेट कितना है और हम उस पार्टी को कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं और कितने रेट पर हम उस पार्टी को मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। एक बार जब आप ये प्राइस मैट्रिक्स को डिफाइन कर देंगे तो अगर आपका इन फ्यूचर परचेज का जो एम्प्लॉई है या सेल्स का जो एम्प्लॉई है वो चेंज भी होता है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस उसे ये प्राइस मैट्रिक्स शीट दिखाएंगे कि किस पार्टी को कितने रेट पे मटेरियल प्रोवाइड कराना है। यही प्राइस मैट्रिक्स का बेनिफिट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूंगा प्रोडक्शन प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग मास्टर पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस ओपन करेंगे। यहां पर आप अपनी कंपनी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनको ऐड करेंगे, जो भी आपकी लाइन पे प्रोसेस चलते हैं। प्रोसेस का नेम लिख के सेव करेंगे। इस तरह से आप अपने सारे प्रोसेस को सेव कर लेंगे। आगे बात करेंगे बिल ऑफ मटेरियल की। बिल ऑफ मटेरियल बेसिकली मैपिंग होती है रॉ मटेरियल और प्रोसेस के बीच। बिल ऑफ मटेरियल दो उन मटेरियल्स के लिए बनाया जाता है जिनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल और प्रोसेस यूज होते हैं। वो आपके सेमी फिनिश्ड भी हो सकते हैं, वो आपके फिनिश गुड भी हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बॉम का नेम एंटर किया, बॉम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, बॉम की डेट, आइटम कोड F1 क्लिक करके आप आइटम कोड सेलेक्ट करेंगे, जो जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी लग रही है वो एंटर करेंगे। और उसका रेट क्या क्या है वो एंटर करेंगे। बेसिकली इससे आपको आपकी प्रोडक्शन रेट पता चलेगी कि बिल ऑफ मटेरियल में कितनी प्रोडक्शन रेट लग रही है, कितने अमाउंट लग रही है सिर्फ रॉ मटेरियल्स की और कितना उनका वैल्यू हो रहा है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है एक पीस को बनाने के लिए और उस पीस को बनाने के लिए कितनी वैल्यू कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लग रही है। फिर हम यहाँ पर दूसरे टैब में डिफाइन प्रोसेस नेम में वो प्रोसेस डिफाइन करेंगे जिनसे वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होता हुआ हमारे फिनिश गुड को या सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीन रॉ मटेरियल जब इन चारों प्रोसेस से कंप्लीट होंगे, रिसाइकिल, मॉडिफाई, क्वालिटी, पैकिंग, तब जाके हमें हमारा
सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड मिलेगा। इस तरह से हम बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करते हैं। बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करके हम उसको सेव कर लेंगे। आप अपने सभी सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड आइटम्स के लिए बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। यहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर बेसिकली वो ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर जब कंपनी कोई भी मटेरियल एडवांस में बनाना चाहती है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर बनाया जाता है अपनी प्रोडक्शन टीम को देने के लिए कि हमें ये मटेरियल क्रिएट करना है। जो भी मटेरियल आप एमएओ में डिफाइन करेंगे, F1 दब प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा मटेरियल आप बनाना चाहते हैं, कितना स्टॉक उसका बना, कितनी क्वांटिटी उसकी बनाना चाहते हैं। अगर स्टॉक में होगा तो वो स्टॉक में भी आपको शो कर देगा। जितनी भी क्वांटिटी आप उसकी बनाना चाहते हैं वो डिफाइन करेंगे, और कोई रिमार्क अगर डालना चाहते हैं तो वो भी एंटर कर सकते हैं आप, उसको सेव कर लेंगे। इस तरह से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर बनाते हैं। बेसिकली कंपनी की प्रोडक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, सेल्स ऑर्डर्स पे और मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर पे। या तो कंपनी सेल्स ऑर्डर आने के बाद प्रोडक्शन करती है या कंपनी एडवांस में बना के स्टॉक रखती है। ये दो केस होते हैं। मैंने यहाँ पे एक केस लिया है एडवांस में बना के रखने वाला। जब हम मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पे क्लिक करते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में भी दो बेस पे होती है, सेल्स ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके जितने भी आपने मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर क्रिएट किए होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे। उनमें क्या क्या आइटम बनना है वो सब आपको दिखेगा। आपको यहाँ से उसका बॉम सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर, और जनरेट पे क्लिक करना है, क्योंकि बिना बॉम सेलेक्ट किए हम उसकी MRP जनरेट नहीं कर सकते। जैसे ही आप यस करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि इस आइटम जो बोल्ड में आपको दिख रहा है, बोल्ड में जो आपको दिख रहा है वो हमारा मेन आइटम है। उसके नीचे उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगना है वो दिख रहा है। तो ये आपको दिखा देगा कि इस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। बोल्ड में आप देख रहे हैं कि जो आइटम आपको बनाना है उसकी कितनी क्वांटिटी बनानी है। रॉ मटेरियल वो आपको उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके स्टॉक में वो कंप्लीट होगा तो कंप्लीट आपको दिखा देगा। अगर आपका स्टॉक क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम होगी तो वो आपको एडवाइस क्वांटिटी में दिखा देगा रिमेनिंग क्वांटिटी जो आपको खरीदनी होगी। इस केस में जो आप एग्जांपल देख रहे हैं उसमें एडवाइस क्वांटिटी 0 है, क्योंकि स्टॉक में मेरे पास कंप्लीट क्वांटिटी है। अगर यहाँ पर एडवाइस क्वांटिटी होती तो मैं उसके लिए इंडेंट जनरेट करता मेक इंडेंट पर क्लिक करके, लेकिन अभी यहाँ पर एडवाइस क्वांटिटी 0 है तो इंडेंट नहीं बनेगा। इस तरह हम अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं। बेसिकली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का यूज इसीलिए है कि आप अपने प्रोडक्शन के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है आपको वो देख सकें, आपको कितना मटेरियल आपके स्टॉक में है और कितना आपको खरीदना है। ये सारी डिटेल आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के थ्रू पता चलती है।
अभी मैं बात करता हूँ वेंडर ऑर्डर प्रोसेस की। अगर आपको मेटल खरीदना पड़ता है उस केस में क्या करना है? उस केस में हम उसका इंडेंट जनरेट करेंगे। इंडेंट में हम डिफाइन करेंगे कि हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए। या आप मैनुअली भी बना सकते हैं या डायरेक्ट एमआरपी के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए, जब आप इंडेंट क्रिएट करते हैं तो आपको दिखा देगा कि लास्ट टाइम उसको कब परचेज किया गया था, किस वेंडर से परचेज किया गया था और कंसाइनमेंट डेट क्या थी। आप उसमें रिमार्क में एंटर कर सकते हैं किस चीज़ के लिए आप वो बना रहे हैं इंडेंट, उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, हाई लो मिड, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम उस इंडेंट को अप्रूव करेंगे। इंडेंट अप्रूव करने के लिए हम इंडेंट सेलेक्ट करेंगे, अप्रूव पे क्लिक करेंगे और जो भी आइटम हम उसका अप्रूव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद ही हम उसका पीओ जनरेट कर सकते हैं। पीओ जनरेट करने के लिए हम किस पार्टी से मेटल मंगाना चाहते हैं उसकी डिटेल फिल करेंगे, इंडेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे F1 दबाकर, जो भी इंडेंट पेंडिंग होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब आपको उस पार्ट किस जिस पार्टी का आपने डिटेल फिल किया है उस पार्टी से आप कौन कौन सा मेटल मंगाते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अगर वो इंडेंट में है तो। वो सेलेक्ट करके उसकी कितनी क्वांटिटी आपको मंगानी है वो इंडेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, उसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। स्टॉक कितना है आपके हाथ में वो भी आपको दिख जाएगा। इस तरह से हम अपना सारा पीओ बनाते हैं, उस पर कौन कौन से चार्ज लगने हैं वो आप यहाँ डिफाइन चार्जेस में डिफाइन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है वो आप डिफाइन करेंगे, ऑर्डर शेड्यूलिंग भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सा आइटम किस डेट तक चाहिए, कितनी क्वांटिटी उसकी चाहिए। बेसिकली होता ये है कि कोई भी पार्टी एक साथ आपको सारा आइटम नहीं दे पाती, वो पार्ट बाय पार्ट में आपको आइटम्स प्रोवाइड कराती है। तो आप अपने वेंडर को बता सकते हैं कि आपको कौन सा आइटम पहले चाहिए और किस डेट तक चाहिए, और हम अपने पीओ को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब मटेरियल आता है तो हम उसका मटेरियल रिसिप्ट नोट बनाते हैं। मटेरियल रिसिप्ट नोट को गुड रिसिप्ट नोट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम पार्टी की डिटेल फिल करेंगे और पीओ नंबर पर F1 क्लिक करेंगे। जैसे ही आप F1 क्लिक करेंगे आपको वही पीओ दिखेंगे जो उस पार्टी के लिए बनाए गए थे। उनमें से आप मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, जो भी मटेरियल आपका आया है, जिसका भी आप MRN बनाने जा रहे हैं, मटेरियल रिसिप्ट नोट बनाने जा रहे हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसकी कितनी क्वांटिटी आपको रिसीव हुई है वो आप फिल करेंगे। रिसीव क्वांटिटी में जाके कितनी रिजेक्ट हुई है वो आप रिजेक्ट क्वांटिटी में फिल कर सकते हैं। टोटल अमाउंट कितनी बनी है वो आपको फिल करनी है, कौन कौन से चार्ज उस पर लगे हैं वो फिल करेंगे और सेव कर देंगे। इस तरह से हमारा मटेरियल फिजिकल आने के बाद सिस्टम में भी एंटर हो जाएगा। तो ये था वेंडर ऑर्डर प्रोसेस। जब मटेरियल सिस्टम में आ जाएगा जो आपको प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड था, तब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाके जॉब रूट कार्ड क्रिएट करेंगे। जॉब रूट कार्ड दो बेस पे क्रिएट होगा, सेल्स ऑर्डर या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर। जैसे ही आप सेल्स ऑर्डर या MAO नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो उसका जॉब कार्ड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, जॉब कार्ड डेट जनरेट होगी, बाकी जितनी भी डिटेल है वो सारी सेल्स ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर के थ्रू फिल हो जाएगी। जॉब कार्ड क्वांटिटी वही क्वांटिटी होगी जो आपकी सेल्स ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर में होगी। प्रोसेस डिटेल्स आएगी
साथ में आपके जो आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस डिटेल में, ये वो प्रोसेसेज हैं जो प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए चलने जरूरी हैं। उनका फ्लो क्या रहेगा, पहले कौन सा होगा, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, इस तरह से। जब हम जॉब रूट कार्ड क्रिएट कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड मटेरियल स्लिप पे क्लिक करेंगे। डिमांड मटेरियल स्लिप बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है। आपके पास कंपनी में तो है, स्टोर में है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक जाने के लिए उसको ये स्लिप फिल करनी पड़ेगी। डिमांड बेसिकली प्रोडक्शन एम्प्लॉई स्टोर एम्प्लॉई से डिमांड करेगा कि मुझे ये मटेरियल आप अलाउ कीजिए, इशू कीजिए। तो वो उसमें बॉम नंबर सेलेक्ट करेगा, डिपार्टमेंट का नाम फिल करेगा। बॉम नंबर जैसे ही सेलेक्ट करेगा, रॉ मटेरियल की लिस्ट नीचे आ जाएगी कि क्या क्या रॉ मटेरियल है उस बॉम में और कितनी कितनी क्वांटिटी आपको डिमांड करनी है, स्टॉक में कितना, ये आपको पता चल जाएगा। डिमांड की क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, जो आपने MRP से ज़्यादा भी हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो वही उतनी क्वांटिटी लेगा जितनी आपने MRP में आई है, या जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर क्रिएट करने के बाद MRP जो रन की थी वो क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। इस तरह हम अपना डिमांड मटेरियल स्लिप को सेव कर लेंगे। जैसे ही आपका डिमांड मटेरियल स्लिप सेव होता है तो आपका स्टोर का एम्प्लॉई इन्वेंटरी कंट्रोल में जाके इशू स्लिप मटेरियल फिल करता है। यहां पर वो डिमांड नंबर सेलेक्ट करता है कि किस डिमांड नंबर के अगेंस्ट वो मटेरियल इशू कर रहा है। जैसे ही डिमांड नंबर सेलेक्ट करता है, बाकी सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, रॉ मटेरियल की लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी डिमांड की है वो भी ऑटोमेटिक आएगी। अब स्टोर एम्प्लॉई इशू क्वांटिटी में जाके फिल करेगा कि वो कितने इशू कर रहा है और सेव कर देगा। सेव करने के बाद प्रोडक्शन एम्प्लॉई RM कंजप्शन फिल करेगा कि उसने इशू स्लिप नंबर फिल करेगा F1 प्रेस करके, किस इशू स्लिप के अगेंस्ट उसने क्या मटेरियल यूज किया है, और उसको सेव कर देगा। ये सारा वर्क होने के बाद वो डेली प्रोडक्शन एंट्री करेंगे। डेली प्रोडक्शन एंट्री जब बेस करेगी आपकी, इसमें प्रोसेस नेम F1 क्लिक करने पर लिस्ट आएगी। ये लिस्ट वही लिस्ट होगी जो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिख रही है, यही प्रोसेस होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड में प्रोडक्शन डिटेल में, मैं सारे प्रोसेस कंप्लीट कर चुका हूँ डेली प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म में फिल करके। सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रोसेस मोल्डिंग, यहाँ पर मोल्डिंग सेलेक्ट होगा। टोटल क्वांटिटी जो होगी वो 150 ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी। प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी हुई है वो प्रोडक्शन का एम्प्लॉय फिल करेगा, फिल करके वो उसे सेव कर लेगा। इस तरह वो वन बाय वन सारे प्रोसेस कंप्लीट करेगा। इससे बेसिकली आपको ये पता चलेगा, मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होती है तो आप अपना मटेरियल कहाँ पर है ये देख सकते हैं, कौन से प्रोसेस पे आपका रॉ मटेरियल है या कौन से स्टेज तक वो आ चुका है, अभी उस पर कितने प्रोसेस पेंडिंग है, ये सब आपको पता चलेगा। जब आपका प्रोडक्शन एम्प्लॉई कंप्लीट प्रोसेस पूरे कर देगा तब वो कंप्लीट यस और नो पे सेलेक्ट करेगा, टिक करेगा, टिक करके वो उसे सेव कर देगा। जैसे ही वो टिक करके सेव करेगा तो यहाँ पर आप रिमार्क में देख पाएंगे कौन कौन से जॉब रूट कार्ड कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से पेंडिंग हैं। जॉब रूट कार्ड कंप्लीट होने के बाद स्टोर का एम्प्लॉई फिनिश्ड मटेरियल रिसीव को सिस्टम में रिसीव करेगा, क्योंकि उसने स्टोर से रॉ मटेरियल तो दे दिया था, रॉ मटेरियल माइनस हो चुका है। अब बात है कि आपका फिनिश गुड कैसे इंक्रीज होगा, वो प्रोडक्शन तो हो गई है, उसको इंक्रीज करने के लिए ही फिनिश मटेरियल रिसीव किया जाएगा।
फिनिश मटेरियल रिसीव करने के लिए स्टोर का एम्प्लॉई आपका जॉब कार्ड नंबर सिलेक्ट करेगा। उस जॉब कार्ड नंबर के जॉब कार्ड नंबर पे जो भी आइटम क्रिएट किया गया है वो आइटम आपके सामने आ जाएगा। उसकी कितनी क्वांटिटी, जॉब क्वांटिटी जो थी वो आपके सामने आएगी, उसका स्टोर सिलेक्ट किया जाएगा कि कहाँ पर वो किस लोकेशन पे वो स्टोर होना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 600 क्वांटिटी बननी थी तो वहाँ पे रिसीव क्वांटिटी में 600 फिल कर देंगे और उसको सेव कर देगा। इस तरह से आपका फिनिश मटेरियल रिसीव सिस्टम में सेव हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस था मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर के थ्रू। अब बात करता हूं सेल्स ऑर्डर के थ्रू। सेल्स ऑर्डर ठीक उसी तरह क्रिएट किया जाता है जिस तरह से परचेज ऑर्डर क्रिएट किया जाता है। हम पार्टी की डिटेल फिल करेंगे, उस पार्टी को हम कौन कौन सा आइटम देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, वो फिल करेंगे और उसकी कितनी क्वांटिटी हम देना चाहते हैं, उस पर क्या क्या चार्ज लगेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी, उसकी ऑर्डर शेड्यूलिंग क्या रहेगी। हम अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि हम आपको किस डेट तक कितना आइटम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर यह आइटम आपके स्टॉक में है तो वो आपको स्टॉक इन हैंड में दिखा देगा और अगर नहीं है तो वो भी दिखा देगा। अब आपको इसकी प्रोडक्शन करनी है तो आप ट्रांसफर टू प्रोडक्शन फ्लोर पे क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे और सेव कर देंगे। ये आपका जो मटेरियल होगा, ये जो आपका सेल्स ऑर्डर होगा, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला जाएगा। आप अगर इसकी कोई ड्राइंग या कोई भी फाइल अटैच करना चाहते हैं वो भी अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसफर टू प्रोडक्शन फ्लोर पे टिक करके सेव करेंगे, आपका सेल्स ऑर्डर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग MRP रन करेंगे। MRP रन करके वही जॉब रूट कार्ड क्रिएट किया जाएगा और सेम प्रोसेस फिर से रन किया जाएगा जो हमने मैन्युफैक्चरिंग एडवाइस ऑर्डर के लिए किया था। उसी तरह से जॉब रूट कार्ड क्रिएट होगा, डिमांड किया जाएगा, मटेरियल इशू किया जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से और आपका RM कंजप्शन दिखाया जाएगा और आपकी डेली प्रोडक्शन एंट्री की जाएगी। ये सारी डिमांड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली फिल है, आप इसको सेव करेंगे। उसके अकॉर्डिंग मटेरियल इशू किया जाएगा। स्टोर सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें पहले, तभी हम उसका मटेरियल इशू कर सकते हैं कि हम कौन से स्टोरेज लोकेशन से मटेरियल निकालकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। और कितनी कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं। जितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है उससे ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते, उससे कम इशू कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी स्टॉक में है ही नहीं तो ये इशू नहीं की जा सकती, बाकी मटेरियल हम इशू कर देंगे। और उसके बाद हम अपने RM कंजप्शन में जाकर उसको RM कंज्यूम कर लेंगे। और उसको सेव कर लेंगे।
फिर वही हम डेली प्रोडक्शन एंट्री कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि मैंने प्रोसेस नेम पहले वाला सिलेक्ट किया था, उसके बाद कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसने राइट हैंड साइड में दिखा दिया कि इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस होगा। इस तरह से वो आपको अगला प्रोसेस भी शो कर देगा। अब हम उसके बाद अगला प्रोसेस, हम प्रोसेस जंप नहीं कर सकते, जो प्रोसेस फ्लो है उसको फॉलो करना होगा। अगर यहाँ पे आप स्टिकिंग करना चाहेंगे तो वो एरर दिखा देगा सेव करने के टाइम पे। इस तरह से हम सारा हमारा डेली प्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप ये प्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे तो नीचे आपको वो सारी डिटेल आ जाएगी कि किस टाइम पे कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था और कितनी आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी कंप्लीट हुई है। जैसे ही आप अपना जॉब रूट कार्ड कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट यस और नो पे क्लिक करके उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ठीक वैसे ही आप अपना फिनिश मटेरियल रिसीव कर लेंगे सिस्टम में। जॉब कार्ड नंबर सिलेक्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी आपको रिसीव हुई है वो करेंगे, और उसका अगर बैच नंबर है आपने यस कर रखा है तो बैच नंबर फिल करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे कितनी रिसीव हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे हम उसकी और ऐड करके सेव कर देंगे। इस तरह से आपका मटेरियल सिस्टम में रिसीव हो जाएगा। ये सारा आपका प्रोसेस है। अब मैं बात करता हूं जॉब वर्क वेंडर प्रोसेस की। कुछ आइटम ऐसे होते हैं या कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कंपनी अपने प्लांट में नहीं करती है, वो प्रोसेस वो बाहर से करवाती, उसके लिए आरजीपी आउटगोइंग क्रिएट किया जाता है। आरजीपी का मतलब है रिटर्नेबल गेट पास, जो आइटम आप बाहर भेज रहे हैं वो आपको वापस मिलेगा। उसमें आप डिफाइन करेंगे किस पार्टी को आप भेज रहे हैं, कौन सा मेटल भेज रहे हैं, किस प्रोसेस के लिए भेज रहे हैं और कितनी क्वांटिटी आप भेज रहे हैं। जब वो मटेरियल वापस आपके पास आएगा तो आप आरजीपी इनकमिंग में उस मटेरियल को रिसीव करेंगे, किस पार्टी से क्या मटेरियल आया। आरजीपी नंबर आप F1 से सेलेक्ट करेंगे कि किस आरजीपी नंबर के अगेंस्ट मटेरियल इशू किया गया था, और फाइनली आपका कौन सा मटेरियल, ऊपर आप देख रहे हैं कि आपने इशू क्या किया था, इस पार्टी को आपने क्या इशू किया था, कितनी क्वांटिटी इशू की थी, ये सारी चीज फिल होगी। नीचे आप डिफाइन करेंगे कि आपने मटेरियल रिसीव क्या किया उसके बदले में। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई प्रोसेस होने के लिए भेजते हैं मटेरियल को बाहर, लेकिन वो प्रोसेस होने के बाद मटेरियल किसी और चीज में कन्वर्ट होके आता है। तो इस तरह से आप अपना मटेरियल रिसीव करेंगे। मतलब अगर आपने बाहर भेजा है स्टील कुछ वर्क होने के लिए, वर्क होने के बाद वो एक ग्लास बनकर वापस आया है, तो आप उसको उस तरह से रिसीव करेंगे और उसको सेव कर देंगे। तो ये था कंप्लीट टिक सॉफ्टवेयर का प्रोसेस, जो आप प्रोसेस चलाते हैं। इन्वेंटरी कंट्रोल में लोकेशन वाइज स्टॉक ट्रांसफर,
इसमें आप कोई आइटम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर अगर भेज रहे हैं वो चीज़ डिफाइन करेंगे। आइटम सेलेक्ट, आप आइटम कोड डालेंगे, आइटम का नाम, किस स्टोर पे आप या किस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेंड कर रहे हैं वो दोनों लोकेशंस, कितना स्टॉक आप स्टॉक है और कितनी क्वांटिटी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सब आप फिल करेंगे। कोई रिमार्क है तो आप रिमार्क भी डाल सकते हैं, उसको सेव कर लेंगे। इस तरह से आप अपना मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगे। फिजिकल स्टॉक एडजस्टमेंट में आप अपना जो भी स्टॉक है मिसमैच अगर हो जाता है तो आप उसको फिजिकली एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा आइटम आपका ऑपरेटर टाइप में आप प्लस या माइनस सेलेक्ट करेंगे कि प्लस में है या माइनस में है। इस तरह से आप अपना फिजिकल स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था टिक सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डेमो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.tickforgrowth.com पर। डेमो के लिए हमें मिस कॉल कीजिए 7533016990 पर या हमें मेल ड्रॉप कीजिए sales@tickforgrowth.com पर। थैंक यू वेरी मच।